बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी के गणित में अध्याय 8 मापन। अब बच्चों इस पाठ में सीखने के प्रतिफल AM 314 के तहत हम देखेंगे मापन के इकाई सेंटीमीटर मीटर का उपयोग कर लंबाई तथा दूरियों का मापन कैसे करेंगे, बालिस्त किसे कहते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना और कुछ इबारती प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं उन चीज़ों से जिससे आप पहले से परिचित हैं। बच्चों आप जब खेल खेलते हैं तो देखिए, जैसे कंचे खेलते हैं तो कैसे नापते हैं, बालिश्त या बित्ता से नापते हैं, है ना। जैसे देखिए इस प्रकार हथेली को आप फैलाएंगे तो आप इस अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक की दूरी से दूरी को नापते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो बच्चों जैसे आप हथेली को फैलाते हैं तो अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक की बीच की जो दूरी है उसी को हम बालिश्त या बित्ता कहते हैं, है ना। तो आपकी जो बालिश्त है छोटी होगी, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की बालिश्त बड़ी होगी, मम्मी पापा की बालिश्त या बित्ता उससे भी बड़ी होगी। बच्चों कई बार आप देखते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं उनकी जो बित्ता है वो छोटी होती है और लड़कों की बित्ता प्रायः बड़ी होती है ना। हाँ तो आप कई बार चीज़ों को नापते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आप अपने कक्षा के ब्लैक बोर्ड को भी नापते हैं तो बित्ता से नाप कर देखिए और कई चीज़ों को आप अपने बित्ता से नाप कर देखिए। अब बच्चों चलिए चलते हैं आपके क्लास में। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में एक लड़का अपनी शिक्षिका के सामने श्यामपट को नाप रहा है। किससे नाप रहा है, देखिए अपने बित्ता से या बालिश्त से नाप रहा है। बच्चों आप और आपके 3-4 दोस्त मिलकर श्यामपट को नापिए अपने अपने बालिश्त से और यहाँ पर जो सारणी दी गई है उसको आपको फिर भरना है। जैसे आप नापेंगे तो कितना बालिश्त या कितना बित्ता आया ये यहाँ पर लिखना है, आपके पहले साथी नापेगा तो उसका कितना आया ये लिखना है यहाँ पर, दूसरा साथी द्वारा नापी गई जो बित्ता है उसको भी यहाँ पर लिखना है, तीसरे का चौथे का और ऐसे जितने भी साथी हैं सभी का आपको लिखना है। क्या सभी साथियों के द्वारा ली गई नाप बराबर है ये आपको पता करना है। बच्चों जब आप अलग अलग साथियों के साथ मिलकर नापेंगे तो सभी साथियों की जो नाप आएगा वो बराबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी साथियों का जो बित्ता है ये बालिश्त है वो एक बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कम या ज़्यादा रहेगा ही। इसलिए सभी के द्वारा नापे गए एक ही चीज़ को नापना है ना। जैसे आप श्यामपट के बारे में बात कर रहे हैं तो जिस श्यामपट को आप नापे हैं उसी श्यामपट को बाकी साथी भी नापेंगे उसकी लंबाई को, तो सभी साथियों का जो लंबाई जो नापे हैं उसका माप बराबर आएगा यह जरूरी नहीं है। तो इस पर विचार करना है कि क्यों ऐसा हुआ। चलिए एक और चीज़ को नाप के देखते हैं। आप अपने स्कूल के किसी कमरे को अपने कदम से नापिए, जैसे यहाँ पर बताया गया कैसे नापना, चित्र देखिए ध्यान से, और आप नापेंगे उसको इस सारणी में भरना है, आपके साथी जो नापेंगे पहला साथी उसको भी सारणी में भरना है, दूसरा साथी नापेगा उसको भी यहाँ सारणी में लिखना है, तीसरे चौथे पाँचवें साथियों के द्वारा नापी गई मान को यहाँ पर लिखना है और देखना है कि क्या सभी साथियों के द्वारा मापी गई माप एक समान है कि अलग अलग है। और बच्चों यहाँ पर भी आप पाएंगे कि अलग अलग साथियों के द्वारा एक ही कमरा को जब अपने अपने कदम से नापेंगे तो उसका माप जरूरी नहीं है कि एक जैसा आए, क्योंकि कुछ बच्चों का पैर जो है छोटा होता है, कुछ बच्चों का पैर बड़ा होता है, कुछ बच्चे ऊंचाई में ज़्यादा होते हैं उसकी पैर की लंबाई ज़्यादा होती है, होती है ना। हाँ तो इस प्रकार से यहाँ पर भी मान अलग अलग आएगा। अब बच्चों अपने कुछ साथियों के साथ समूह बनाइए। लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा लीजिए, कोई भी टुकड़ा इतना बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा और बड़ा हो तो भी चलेगा, और इस टुकड़े से अपनी कक्षा की लंबाई आपको नापना है और फिर नापने के बाद यहाँ पर सारणी में आपको भरना है। आप जो नापेंगे उस लकड़ी के टुकड़े से कक्षा की लंबाई को उसको यहाँ पर पहले लिखना है, उसके बाद आपके साथियों के द्वारा नापी गई माप को यहाँ पर क्रमशः लिखते जाना है। क्या सभी साथियों के द्वारा ली गई नाप बराबर है ये आपको देखना है। और बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि सभी साथी यदि ठीक से जैसे आपने नापा है वैसे ही विधि का प्रयोग करके वो भी नापते हैं तो बिल्कुल आप सभी के द्वारा मापी गई माप एक समान आएगा।
क्यों आएगा, इस पर आप बड़ों से भी चर्चा कर सकते हैं, अपने साथियों से भी चर्चा कर सकते हैं। इसका कारण यह है बच्चों कि आप जिस लकड़ी के टुकड़े से माप रहे हैं, सभी बच्चे उसी लकड़ी के टुकड़े से नाप रहे हैं। चूँकि लकड़ी की लंबाई न तो कम हो रही है न बदल रही है, इसलिए आप सभी के द्वारा मापी गई जो माप है वो एक समान आएगी। बच्चों अब सोचिए, आपको कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत है, आप कितनी लंबी रस्सी लेंगे? दुकानदार से आप क्या कहेंगे कि मुझे इतनी लंबी रस्सी चाहिए या इतनी लंबी रस्सी चाहिए? आप कुछ बताएंगे कि कुछ माप कर ले जाएंगे, क्या कहेंगे? चलिए देखिए, यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं आप। कुछ लोग कपड़े खरीद रहे हैं। कपड़े कैसे खरीदते हैं, क्या बोलते हैं जब जाते हैं दुकानदार के पास? तो वह कहते हैं मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। और दुकानदार फिर कैसे उसको 2 मीटर 3 मीटर या जितना बोलते हों कैसे नाप के देते हैं? एक स्केल से, है ना, एक स्टील का स्केल होता है उसके पास, उसको हम मीटर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर स्केल। या आप दुकानदार के पास इस प्रकार के टेप भी देखे होंगे जिससे वे कपड़े नाप कर देते हैं। बच्चों आप अपना छोटा सा स्केल निकालिए और उसको ध्यान से देखिए, और ऐसे यदि कोई फीता हो जिसको हम टेप भी कहते हैं, ऐसे फीता हो आपके पास जो टेलर के पास रहता है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको 2 प्रकार के पैमाना दिखाई देंगे। एक तो नीचे छोटी छोटी लाइन वाली है जिसमें पास पास में 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर देखिए थोड़ी बड़े बड़े खाने हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर भी 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। तो ऊपर जो बड़े खानों में लिखा हुआ है वो इंच का होता है, और नीचे जो छोटे खाने में लिखा हुआ है वो है सेंटीमीटर का। तो इसको आप ध्यान से देखिए पहले, फिर हम आपको बताएंगे। आप पहले से ही जानते हैं बच्चों, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अब बच्चों आप बताइए, यहाँ पर देखकर आप अपने छोटा स्केल रखिए अपने पास में, और बताइए 1 से लेकर 2 तक कितने भाग हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस स्केल में 1 से लेकर 2 तक, देखिए 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। चूँकि यहाँ पर 1 दब गया है, इसलिए हम 2 से लेकर 3 तक के बीच के देखते हैं कितने छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। आप अपने स्केल में देख कर मापिए, और यहाँ पर जो खाली जगह दिख रहा है आपको उसको भरना है। वैसे ही 7 से लेकर 8 तक कितने खाने कितने भाग बने हुए उसको भी आपको गिनकर यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 2 तक छोटे खानों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। ठीक वैसे ही 7 से लेकर 8 तक छोटे खानों की संख्या कितनी है, 10 है। वैसे ही कहीं पर भी आप देख सकते हैं 10 से लेकर 11 के बीच में, 20 से लेकर 21 के बीच में, 31 से लेकर 32 के बीच में भी खानों की संख्या आप गिनेंगे तो आपको बराबर 10 संख्या ही मिलेगी। क्या हर बार भागों की संख्या बराबर आ रही है, क्यों आ रही है, ये आपको चर्चा करना है। आप जो अपने पैमाना में छोटे छोटे खाने देख रहे हैं, वही छोटे छोटे खाने, एक खाने का मान होता है 1 मिलीमीटर। आप 2 खाने लेंगे तो 2 मिलीमीटर कहलाएगा, 3 छोटे खाने लेंगे तो 3 मिलीमीटर कहलाएगा, 4 छोटे खाने लेंगे तो 4 मिलीमीटर कहलाएगा। ऐसे ही आप देखिए अपने स्केल में, और इस खाली स्थान को यहाँ पर आपको भरना है, 1 से लेकर 2 तक कितने मिलीमीटर हैं, 3 से लेकर 4 तक कितने मिलीमीटर हैं, वैसे ही 6 से लेकर 7 तक कितने मिलीमीटर है, ये आपको गिनना है। यहाँ पर आप चित्र में देख भी रहे हैं खाने बने हुए हैं, चाहे तो आप इसको गिन सकते हैं और रिक्त स्थान को भर सकते हैं। तो रिक्त स्थान को भरेंगे तो कितना कितना आएगा सबका, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी कक्षा की ओर। अपनी कक्षा के श्यामपट को आपको आपके पास जो छोटी स्केल है उससे उसकी लंबाई नापना है। पहले आप बित्ते से नाप चुके हैं, अब आपको किससे नापना है, आपके पास जो छोटी स्केल है उससे, और अपने साथियों से भी यही काम करने के लिए आपको कहना है। क्या सभी साथियों के उत्तर बराबर है? बच्चों हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि स्केल में यदि आप नापते समय, क्योंकि एक ही स्केल का उपयोग आपको बार बार करना पड़ेगा पूरी लंबाई को नापने के लिए, आप कहीं थोड़ा भी इधर उधर होते हैं तो आप सभी के माप बराबर
नहीं आएंगे, या आप कहीं पर निशान लगाना चूक गए, या आप उंगली को रखेंगे हाथ को तो वहाँ से नापना शुरू करेंगे तो अच्छे से माप सभी का बराबर आने की संभावना कम होगी। लेकिन हाँ, सही सही आप माप करते हैं तो हो सकता है 2-3 बच्चों के जो माप सही बराबर आ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यदि हम छोटे पैमाना का उपयोग करें बड़ी दूरी को मापने के लिए तो सभी के उत्तर एक जैसे आएँ, इसकी संभावना कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी लंबाई को मापने के लिए बड़े स्केल या मीटर का उपयोग करते हैं। अब जिस श्याम पट की लंबाई को आप छोटी स्केल से नापे हैं उसी को आप बड़े स्केल या मीटर से नाप कर देखिए, तो ऐसे समय आप सभी के उत्तर एक जैसे आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि छोटी दूरी को हम छोटे स्केल से माप सकते हैं और बड़ी दूरी को मापने के लिए हमको बड़ा स्केल का उपयोग करना ज़्यादा उचित होगा। अब बड़ा स्केल बनाएं कैसे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, अब आप बताइए, जब आप दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आपके नाप किस चीज़ से लेते हैं, ये जानते हैं ना? हाँ, दर्जी का फीता भी मीटर स्केल जैसा ही होता है जिसके बारे में आप परिचित हैं। दर्जी के फीते और मीटर स्केल में कौन कौन सी बात एक जैसी होती है ये आपको ध्यान देना है, साथ ही साथ दर्जी के फीते और मीटर स्केल में कौन सी बात अलग होती है इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या इस तरह का फीता आपने और कहीं देखा है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ऐसे फीते से क्या तुम अपनी कक्षा की लंबाई माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो, आप उपयोग करके देख भी सकते हैं। इस फीते में और कौन कौन सी चीज़ें नापी जा सकती है इसको भी आपको अपने साथियों के साथ चर्चा करना है। बच्चों, आप अपना मीटर स्केल स्वयं बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, इस प्रकार के फीते या टेप यदि आपके पास है या आपके आसपास की दुकान में उपलब्ध है तो ले आइए। और क्या करना है आपको, इस प्रकार के फीते में 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की जो दूरी लिखी हुई है जहाँ पर, उसको काट लेना है और एक लकड़ी के गत्ते में आपको उसको चिपका लेना है या किल ठोक देना है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप अपने घर के बड़ों का भी सहायता ले सकते हैं और अपना मीटर स्केल स्वयं बना सकते हैं। अब उस मीटर स्केल से आप अपने घर के कमरे को नापिए, अपने कक्षा को नापिए, ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापिए, या फिर और जो भी चीज़ आप नापना चाहते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर इस खेल को बार बार खेल सकते हैं। और बच्चों, चलिए अब आप जो मीटर स्केल बनाए हैं उसका उपयोग भी कर लेते हैं। ये सारणी आप देख रहे हैं, आपको अपनी कक्षा की लंबाई नापना है। कक्षा 1 की लंबाई नापिए आप, कक्षा 2 की भी लंबाई नापिए उसी मीटर स्केल से, कक्षा 3 की नापिए, कक्षा 4 की नापिए और कक्षा 5 की नापिए। यही काम अपने दोस्तों से भी करने को कहिए और मिलाइए, यहाँ जो कुछ प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए उससे कौन सी कक्षा सबसे लंबी है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर कौन सी कक्षा सबसे छोटी है ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में से कौन सी कक्षा लंबी है ये भी आपको तुलना करना है नापने के बाद। कक्षा 4 और कक्षा 5 में कौन सी कक्षा छोटी है ये भी आपको तुलना करना है यहाँ पर। और कौन कौन सी कक्षाएँ बराबर हैं ये भी आप नापने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह जो नापने का काम है आपके लिए मज़ेदार होने वाला है, वो भी स्वयं के द्वारा बनाए हुए मीटर स्केल से। तो बच्चों, आप यहाँ पर वस्तुओं को देखकर समझ ही रहे होंगे कि किस वस्तु को किस से नापें। जैसे पेंसिल है, पेंसिल छोटी होती है, उसको आप किस से नापेंगे? हाँ, अपने पास कंपास में जो पहले से मौजूद छोटा सा स्केल है उससे आप इसको नापेंगे। वैसे ही स्लेट की लंबाई भी आप अपने छोटे स्केल से नाप सकते हैं, गणित की पुस्तकों को भी आप अपने छोटे स्केल से नाप सकते हैं। लेकिन श्याम पट को नापने के लिए किसकी आवश्यकता होगी आपको? आप चाहें तो अपने द्वारा बनाए हुए मीटर स्केल का उपयोग कर सकते हैं, या दर्जी के पास जो फीता होता है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और कक्षा की लंबाई, खिड़की की लंबाई, इसको मापने के लिए भी आप आवश्यकता अनुसार बड़े स्केल का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों तो आइए आपके पाठ्यपुस्तक के इबारती सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में जो पहला इबारती सवाल दिया हुआ वो ये रहा, रितु ने 11 मीटर सूती कपड़ा, 16 मीटर रेशमी कपड़ा और 18 मीटर टेरिकॉट का कपड़ा खरीदा।
उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, ये सभी जो माप दिया हुआ है मीटर में, 11 मीटर, 16 मीटर और 18 मीटर, इन सबको हम ऐसे लाइन से लिख लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, सबसे पहले हम इकाइयों को जोड़ेंगे, एक, छः और आठ, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 15, 15 का 5 हम लिखेंगे नीचे, हासिल कहाँ जाएगा, एक ऊपर जाएगा। अब देखिए पहले से एक 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 तीन बार है और एक हासिल, इसको मिला के हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ऋतु ने कुल मिलाकर 45 मीटर कपड़ा खरीदा। तो बच्चों इस प्रकार से इबारती सवालों को भी आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ स्केल के बारे में, कैसे कैसे स्केल होता है ये आपके चित्र में दिखाया जा रहा है। आप देखिए ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं वैसा स्केल आपके पास भी होता है प्रायः, और दूसरा जो चित्र है उसके बाजू में उस प्रकार का स्केल तो राजमिस्त्रियों के पास होता है ना। हाँ, और ये जो नीचे दो स्केल देख रहे हैं ऐसे स्केल भी आपको अन्यत्र देखने को मिलता है। तो इसके बारे में पता कीजिए आप, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। साथ ही देखिए बच्चों यहाँ पर एक कैमरे में भी स्केल बना हुआ है, वो भी आप देखते हैं। इसको कैमरा को एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। वैसे आपके गाड़ियों में भी मीटर स्केल होता है। तो ये सब स्केल अलग अलग जगह पर काम आता है, इसके बारे में भी आपको विचार करना है। तो बच्चों इस प्रकार से कक्षा तीसरी के अध्याय 8 मापन के अंतर्गत आज हमने लंबाई के बारे में पढ़ा। भाग 2 में हम पढ़ेंगे भार के बारे में और भाग 3 में हम धारिता के संबंध में अपनी धारणाओं को स्पष्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं, आप सभी को जय हिंद।